गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्येभ्यो नमः। नव दुर्गा उत्सव के अंतिम चरण में आज दुर्गा चौक में आप सबके बीच बैठकर थोड़ी देर कुछ प्रभु संकीर्तन करने का, कुछ चर्चा करने का सहयोग मिला एक छोटी सी रचना के साथ। हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे। आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, इस रचना को मेरे बोलने के बाद थोड़ा सा कीर्तन के रूप में दोहराएंगे तो बड़ा अच्छा आनंद आए। सभी से चाहूँगा मेरा साथ दें। देंगे ना? मन से के ऊपरी ऊपरी मन से दें। ग्यारसपुर में इसीलिए अच्छा लगता है कि सब लोग मन से साथ देते हैं। लीजिए। मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार के संग ऐसा कोई, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए। तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई, भटकत भटकत मार्ग नहीं मिलता। भटकत 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 मार्ग नहीं मिलता। भटकत भटकत चंचल मन रोके नहीं रुकता। चंचल मन चंचल मन रोके नहीं रुकता। चंचल मन मेरे किसके मेरे मेरे चंचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को रोके मेरा तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु के संग जोड़े
दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ थोड़ा सा ध्यान से सुनकर बोलेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत दरस के बड़े हैं महात्म, संत दरस के संत दरस के बड़े हैं महात्म, संत मेरी 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 सूरत पकड़ जग जोरे, ऐसा कोई संत मिले मेरी सूरत पकड़ जग जोरे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले ही मन के पांच है बैरी, एक ही मन के पांच है बैरी, एक ही मन के पांच है बैरी, एक ही मन के पांच है बैरी, पांच नागिन घेरी, पांचों गाली मेरे मेरे मन के घोड़े रोके, ऐसा कोई संत मिले मेरे मन के घोड़े रोके, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले Oh.
दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा मेरे मन की प्यास बुझा दे, मेरे मेरे मन की मेरे मन 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 नाम जपन ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मन नाम जपन ना छोड़े ऐसा कोई मेरा तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की बाधा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े एक साथ बोलिए संत मिले, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जय हो जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु के संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आज की जय। गुरु परमात्मा से जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, संत इस धरती पर ऐसी विभूति के रूप में होते हैं जो स्वयं के साथ साथ संपूर्ण जगती के वैभव की सुरक्षा करते हैं। आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत बचाते हैं, संत सुरक्षा करते हैं। आज अगर ये धरती टिकी है तो संतों की तपस्या तेज और साधना के प्रताप से टिके। हमारा भारतवर्ष इस क्षेत्र में बहुत भाग्यशाली रहा है, इस देश की मिट्टी में ऐसी ऐसी महान आत्माओं ने अवतरण लिया, ऐसी ऐसी चेतनाओं ने जन्म लिया जो अपने आप में रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण थे। संस्कृति को जिन्होंने आत्मसात किया था और इस देश के लोगों को वही दिशा दी जिस मार्ग पर भी चले। आज ऐसी कोई भी चेतना हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज उनका स्मरण करते हैं। गुरु का स्मरण करना ही
पुण्य की प्राप्ति का साधन होता है। हम मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और संत कबीर साहेब जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु परमात्मा से मिलन कराते हैं, इसलिए आज भारतवर्ष में जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, जो गुरु प्रधान हैं, उन सब में गुरु की ही महत्ता है। वैदिक संस्कृति में कबीर साहेब जी के वचन गुरु की प्रधानता को सिद्ध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में गुरु की अकथनीय महिमा का वर्णन किया है। जैन दर्शन में जुड़मोकार मंत्र पढ़ा जाता है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। इसमें भी सिद्ध महान हैं, बड़े हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, क्योंकि अरिहंत परम गुरु हैं, वे ही सिद्ध होने का पथ दिखाते हैं। इसलिए जैन दर्शन में भी गुरु को ही प्रथम स्थान दिया गया है। हमारी पूरी संस्कृति ही गुरु प्रधान, गुरु की प्रमुखता के साथ ही हम सारे कार्य संपन्न करते हैं। आज छोटा सा भी काम होता है तो हम अपने गुरु का स्मरण करके करते हैं, गुरु को प्रथम रखकर करते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि गुरु वह शक्ति है जो जीव को असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और जड़त्व से चेतनत्व की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है। एक ऐसी शक्ति है गुरु, जिनका साथ, जिनका सानिध्य अपने आप में सत्संग नाम पा लेता है। गुरु का साथ मिलना, गुरु का साहचर्य होना, गुरु का सानिध्य मिलना एक बड़ी चीज होती है। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने। संत तुलसीदास जी महाराज ने संत की व्याख्या करते हुए लिखा कि जो स्वभाव से सरल चित्त होते हैं, जिनके भीतर स्नेह का सिंधु मड़ता रहता है, जिनकी डोर परमात्मा से बंधी रहती है, वे गुरु कहलाते हैं। आपके इस नगर में विक्रम संवत 1566 में जिन गुरुदेव आचार्य तारण तरण मंडलाचार्य जी का प्रथम चातुर्मास हुआ साधु पद की दीक्षा के पश्चात, उन्होंने लिखा है कि गुरु सूर्य के समान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, आचार्य कहते हैं इसी प्रकार गुरु सूर्य की तरह होते हैं। जब गुरु की श्रद्धा और समर्पण व्यक्ति के अंतरंग में जागता है तो हृदय में छिपा ज्ञान का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाया करता है। जिंदगी एक बहुत बड़ी साधना है, एक बहुत बड़ी यात्रा है, इसको हमें उसी रूप में लेना होगा जिस रूप में ये प्राप्त हुई है। कुछ थोड़ी सी बात करूंगा, समय बहुत हो रहा है, मैं सोच रहा था कि 9 बजे आना है, खैर थोड़ी सी बात करेंगे, एक छोटा सा प्रसंग लेना है। मानस एक ऐसी कृति है कि मुझे लगता है कि अगर इस मानस से, रामचरितमानस से, जनमानस का मानस बदल जाए तो ये भारत स्वर्ग हो जाए।
बस आवश्यकता है अपने मानस को बदलने की। हम सुनते बहुत हैं लेकिन अपना मानस नहीं बदलते। जिनका मानस बदल जाता है वे व्यक्ति इस धरती पर देव तुल्य हो जाते हैं। आचरण से ही सारी चीज बनती है। वचनों से कार्य नहीं होता, आचरण ही हमारी परंपरा है। आचार परमो धर्म, ये सूत्र हमारी संस्कृति में जन्म से ही सिखाए जाते हैं। आचार ही परम धर्म है। और आचार का अर्थ है हम जो जानते हैं, हम जो सत्संग से सीखते हैं उसे अपने जीवन में लाना। लोग कहते हैं पांडव जब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने 3 सूत्र दिए, सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा करो। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और गुस्सा मत करो। कितनी बात बताई? 3। कौन कौन सी? सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और गुस्सा मत करो। अपन सत्य बोलते हैं नहीं बोलते? फिर मानस सुन सुन के क्या करेंगे? गीता सुन सुन कर क्या करेंगे? काहे के लिए सुन रहे हैं? हम पाप करेंगे और भगवान से जाके कह देंगे प्रभु माफ करना। पाप हम करेंगे और भगवान से माफी मांगेंगे कि प्रभु माफ करना, और एक आध बार भगवान कह दे कि अच्छे आदमी हो तुम, उधर से करके आते हो और मुझसे कहते हो माफ करो। मान लो एक आध बार वो डांट दें कि जा अब माफ नहीं करूंगा, सोच के आना, फिर क्या होगा? एक तो हम सत्य नहीं बोलते, बात बात में झूठ बोलने की आदत। धर्मम चर, धर्म के आचरण करने की प्रेरणा दी। अपन सुबह से शाम तक कितना धर्म का आचरण करते हैं? थोड़ा बहुत करते हैं, 1-2 घंटे, 22 घंटे। सब चीज विचार। अंतिम सूत्र है क्रोधम मा करो, गुस्सा नहीं करना। आपको गुस्सा आता है नहीं आता? आता है? 11 स्पुर के लोगों को गुस्सा आता है? जाते ही नहीं है महाराज। बड़ी समस्या है। एक बार हमने यही बताया था शायद, जो लोग कहते हैं कि आता है वे बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम उन्हें आता तो है। दरअसल वे भाग्यशाली इसलिए नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता है, वहां बहुत बड़ा राज छिपा है। मेरे साथ छोटी सी घटना घटी थी। एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव है सतना जिले। रात्रि कालीन सत्संग चल रहा था, एक डॉक्टर मिश्रा जी सामने बैठे हुए थे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा जैसे आपसे पूछा कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, तो वे बोले बाबा जी बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हो। तो मैंने कहा इतना सा तो पूछ ही रहा हूँ कि गुस्सा आता है कि नहीं आता। बोले प्रश्न बहुत जटिल है, जवाब देना बहुत मुश्किल। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, प्रबुद्ध हैं और बोलते हैं कठिन है प्रश्न, जवाब देना मुश्किल। अरे हाँ बोलो या ना बोलो। डॉक्टर मिश्रा जी बोले कि ना तो हाँ बोला जा सकता और ना ही ना बोला जा सकता। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या कठिन हो रहा है, ऐसा क्या कठिन हो रहा है? बोले आप पूछिए ऐसा जटिल प्रश्न रहे हैं कि गुस्सा आता है या नहीं आता। मैंने कहा यही तो पूछ रहा हूं ना। अब वो कहने लगे आता है या नहीं आता। मैंने कहा बोलो ना आता है कि नहीं आता।
लगे आप पूछने आता है या नहीं आता, उनका जल्दी बताओ। कह लगे गुरुदेव वो जाता ही नहीं है तो आएगा कहां से, अब जाए तो आए। टेम्परेचर बना रहता है शरीर में, 98% टेम्परेचर हर आदमी की बॉडी में रहता है, बुखार जिसे कहते हैं, 98 से ऊपर होता है हरारत सी लगने लगती है, 101 हुआ बुखार आ जाता है, 102 हुआ अस्पताल की राह पकड़नी पड़ती है, 103 हुआ विदिशा, 104 हुआ भोपाल, बस और बढ़ाऊं एक आध, रहने दो। रिटर्न, ये टेम्परेचर और हर आदमी के भीतर बना रहता है, ये टेम्परेचर खत्म नहीं होता। आदमी स्वस्थ रहता है, टेम्परेचर बढ़ना ही बीमारी है। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर का स्वस्थ रहता है, टेम्परेचर का बढ़ना ही बीमारी, खुद भी एक टेम्परेचर है हर आदमी की बॉडी में मौजूद रहता है, लेकिन ये कंट्रोल में रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और ये टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड होता है व्यक्ति बीमार हो जाता है। लड़ाई झगड़े द्वंद्व विवाद ये सारी चीजें इस एक दुश्मन के कारण आती है। ये एक शत्रु है इस आत्मा का जिसका नाम है क्रोध, ये सबके काम बिगाड़ता है। छोटी छोटी सी बात में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी सी बात में आपे से बाहर हो जाना, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। सूत्र हैं, जैसे ही जीव क्रोध करता है वैसे ही धर्म से दूर होता जाता है, क्योंकि अग्नि का और पानी का संयोग बनेगा कैसे, अग्नि अलग चीज है और पानी अलग चीज है, क्षमा समता जल है, क्रोध अग्नि है। क्षमा का और क्रोध का संबंध ही नहीं बैठता, अग्नि का और जल का संबंध ही नहीं बैठता। जहां जल की प्रबलता होगी वो अग्नि को बुझा देगा। इसी तरह जिस व्यक्ति के मन में समता होगी, जिस व्यक्ति के मन में क्षमा होगी, उसके अंतरंग में उत्पन्न होने वाली क्रोध की ज्वाला शांत हो जाएगी, और इसे शांत करने में ही मजा है। अगर ये शांत नहीं होगी तो कजा है, बढ़ गई तो सजा है। इसे शांत करने में मजा है, ये बढ़ी तो कजा है, और तीव्र हो गई तो सजा है। इसलिए इस विकार पर कंट्रोल करके चलना हर व्यक्ति का दायित्व है। घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, नगर को स्वर्ग बनाना है, तो एक ही सूत्र है, दुर्गुणों का त्याग करना, अच्छाइयों को ग्रहण करना, बुराइयों का त्याग करना, सद्गुणों में आचरण करना। एक ही मंत्र है जो जीवन को, घर को, परिवार को, समाज को, नगर को, देश को, संसार को स्वर्ग बना सकता है। एक छोटी सी परिभाषा ख्याल रखिए, गुणों में आचरण करना धर्म है, दुर्गुणों में आचरण करना अधर्म है। धर्म क्या है? गुणों में आचरण करना। जैसे कोई कुछ कहता है, अपन उसकी बात सुनकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक आदमी छोटी सी बात सुनकर चिड़चिड़ा उठता है, एक व्यक्ति बड़ी से बड़ी बात सुनकर भी पी जाता है। देखते हैं आप इस संसार में ऐसे कितने ही गंभीर लोग हैं, कितने ही बुद्धिमान लोग हैं,
जो बड़ी से बड़ी बात को पीने की क्षमता रखते हैं, और उथले लोगों की भी कमी नहीं है कि जरा से बैठने को लेकर ही चिड़चिड़े हो जाएं, खिसकता क्यों नहीं है, उधर सरक, यहां मैं बैठा था, इतनी सी बात को लेकर गुस्सा आ जाती है। अपनी दरी अगर बिछी हो और बाजू वाले ने आकर अपनी दरी बिछाई और उसकी दरी का छोटा सा कोना अपनी दरी पर आ गया, बस उसका दरी का कोना क्या आ गया, उस आदमी को ऐसे लगता है कि जेई मेरे ऊपर आ गया, मड़मड़ा उठता है, दिखता नहीं है मेरी दरी बिछी है तो इसके ऊपर बिछा रहा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर गुस्सा करना, जरा जरा सी बातों को लेकर चिड़चिड़े होना, ये घर को नरक बनाती, ये वृत्ति घर को नरक बनाती है। सास बहु में, भाई बहन में, पिता पुत्र में, आपसी संबंधों में छोटी छोटी सी बातें दुख देने वाली हो जाती हैं, दरार पालने वाली हो जाती हैं। इसलिए हमने इस वर्षावास में और पिछले वर्षावास में भी एक त्रिफला दिया है समाज को, डिब्बी नहीं है हमारे पास, पैकेट नहीं है, हम कोई व्यापार नहीं करते, पैसे का कोई काम नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी चीजें सबको बांटते हैं। आपको अपने घर को अच्छा बनाना है, अपने परिवार को अच्छा बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, बनाना है ना, कि ऐसे ही आकुलता व्याकुलता में बने रहना है, सुख से जीना है ना, तो हमारे त्रिफला का सेवन करो, हमारी दवाई खाओ, बिना पैसे की दवाई है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक हर आदमी के लिए हमारी औषधि समान रूप से कार्य करेगी। आप कहो तो दे दें, बांट दें, कौन कौन खाएगा, हाथ उठाना जरा, हमारी औषधि का सेवन कौन कौन करेगा। ओहो हो, यहां तो बड़ा बाजार है हमारे लिए, बाजार में ही तो बैठे हैं, बड़ा व्यापार धंधा चल जाएगा भैया इधर तो हमारा। हर आदमी कह रहा है हम पालन करेंगे, हम सेवन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे की मिल रही है इसलिए हो रहा है, कुछ ऐसी राज समझ में आता है। खैर, बिना पैसे की सही, लेकिन आपने मन बनाया है तो निश्चित रूप से तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप ना वही ताही पही ताही तहां ले जाए। अगर आप इस औषधि का सेवन करने का मन बनाकर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी भली होनहार आपको मेरे पास खींच कर लाई है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए। लीजिए, त्रिफला दे रहा हूं, बाजार से आप त्रिफला की डिब्बी लेकर आते हैं, उसमें तीन चीज रहती है, हर, बहेड़ा और आंवला, एक मिश्रण रहता है, उसे आप खाते हैं, शरीर ठीक रहता है। शरीर को ठीक करने के लिए त्रिफला तो आप खा लेते हैं, मन को ठीक करने के लिए कौन सा त्रिफला खाएं। बीमारी शरीर से नहीं आती, बीमारी मन से आती। बीमारी कहां से शुरू होती, मन से। और आजकल एक बड़ी भारी बीमारी चल रही है पूरे देश में, कौन सी, अरे कोरोना, और आना से और खतरनाक है, हैं? कैंसर नहीं, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मतलब ग्यारसपुर में भी आ गया ही है ये बीमारी, सभी जगह फैल गई। इस खतरनाक बीमारी का नाम है टेंशन। कैंसर नहीं बेटा, टेंशन। क्या है बीमारी का नाम, टेंशन। तुम्हें बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, टेंशन आता है कि नहीं आता,
अरे जे छरा जरा से बचकानी, मम्मी कह रही है बेटा पढ़ाई कर लो, होमवर्क पूरा करने, देखो खेल में मन नहीं लगाओ, मोबाइल में गेम नहीं खेलो, थोड़ो पढ़ लो बेटा, होमवर्क कर लो। जरा सा बचकानी चिड़चिड़ा के क्या बोलता है, मम्मा हमसे पढ़ने वढ़ने का मत कहो, आज हमारा टेंशन बढ़ रहा है। लो उम्र का धरी अबे, इनको टेंशन बढ़ रहा हो। बड़ी खराब बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, और टेंशन दवाई से नहीं मिटता, डिप्रेशन में ले जाता है। टेंशन स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देता है। इसलिए मन की बीमारियों से बचना है। देखो शरीर की बीमारी से बचने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, मन की बीमारी से बचने के लिए उसके लिए गुरु के अलावा और कोई वैद्य नहीं है। गुरु ही इस मन की बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि देते हैं। तो आपको मन को ठीक करना है ना, तो हमारी दवाई का सेवन करोगे ना, दे दें सबको एक एक पुड़िया, खाओगे, यहीं छोड़ के नहीं चले जाइयो, नहीं तो एक हुआ था ना, एक संत ने प्रवचन में कह दिया कि देखो संतों ने लिखा है अहिंसा परम धर्म है, महावीर ने कहा अहिंसा परम धर्म, तुलसीदास जी ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गिरीसा अहिंसा परम धर्म, महाभारत में कहा अहिंसा परमो धर्मस, सब जगह अहिंसा है। महात्मा बुद्ध ने लिखा था फाणम न हाणिन चाणिन मादिये, किसी प्राणी के प्राणों का घात नहीं करना चाहिए। गुरु नानक ने लिखा था कि किसी प्राणी के प्राणों के घात करने वाला जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जीसस ईसा मसीह कहा करते थे कि असीम प्रेम वो है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे और तुम दूसरा गाल उसके सामने करो। ये प्रेम अहिंसा की पराकाष्ठा कहलाती है। और उस संत ने अहिंसा की महिमा गाई। एक बच्चा बैठा था, उसने गांठ बांध लिया कि आज के बाद किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। किराने का काम होता था, आटा दाल चावल बिकता था, बोरियों में भरा रखा रहता था सामने। अब वो लड़का दुकान पर बैठा, गाय आई आटा खाने लगी, अब वो देख रहा, 5 मिनट तक वो गाय आटा खाती रही, लड़के ने उसे डंडा नहीं मारा, उसे भगाया नहीं। इतने में पिताश्री पधारे, उनने दूर से देखा, बोले लड़का कहाँ चला गया, गाय आटा खा रही है, इसे भगा नहीं सकता क्या। पास आकर देखा तो आश्चर्य हुआ, बैठा है दुकान पर, देख रहा है बड़े प्यार से कि गाय आटा खा रही है। तो उसने कहा कि बेटा इस गाय को भगाता क्यों नहीं है, इसे डंडा मार भगा दे। लड़के ने कहा नहीं पापा, मैंने गुरुजी की बात समझी है, उनने कहा था किसी प्राणी को कष्ट देना अपने को ही कष्ट देने जैसा होता है, इसलिए अब मैं किसी को भगाऊंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं। उनने कहा बेटा कल से प्रवचन सुनने मत जाना, कल से प्रवचन सुनने मत जाना। लड़के ने पूछा क्यों, अरे बोले तू एक ही दिन में एक बात पकड़ के ले आया, एक एक दिन में एक एक बात पकड़ के लाएगा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। कि लगे दादा तुम भी तो 70 साल से जा रहे हो सत्संग करने, हर दिन पहाड़ी पे जाओ, हर दिन दुर्गा चौक में आओगे, 70 साल से सत्संग कर रहे हो, आखिर तुमने भी तो कुछ ग्रहण किया होगा। कि लगे बस यही तो बात है, मैं जाता जरूर हूं,
सत्संग में बैठता हूँ, बसंत महाराज के पास भी जाता हूँ, सुनता हूँ सबकी बात। बजरंग शरण महाराज आते हैं, उनकी भी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनता हूँ मैं, उनकी भी भक्ति है मेरे मन में, संत हैं, सभी संतों की बात सुनता हूँ, सबके पास जाता हूँ। बोले दादा फिर तुम्हारे मन में ऐसे विचार नहीं आते, खिल लगे तू पागल है। बोले कैसे? अरे तू एक दिन गया सत्संग में, वहां से एक बात गांठ में बांध के ले आया, वो गाय आटा खाती रही और तू देखता रहा बैठे बैठे, मैं नहीं करता ऐसे काम। बोले दादा तुम कैसे प्रवचन सुनते हो? कह लगे मैं तो सुनता हूँ, अपनी फट्टी ले जाता हूँ, बैठता हूँ, पूरा प्रवचन सुनता हूँ, और जब आता हूँ वहाँ से उठ के फट्टी लेके, तो फट्टी को भाई झड़ा के आता हूँ ताकि कोई बात मेरे साथ ना आ जाए। अब हम गीत गा रहे हैं, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा करो, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, क्रोध मत करो। कहने से होगा कि आचरण करने से होगा? एक बात अच्छी हो और वो गांठ में बांध ली जाए, जीवन में परिवर्तन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आप हमारे त्रिफला का सेवन कीजिए, देखिए कल से ही आपका घर स्वर्ग ना बने तो हमसे आके बोले, लेकिन ईमानदारी से करोगे तो उस सेठ की तरह झड़ा के चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सेवन करोगे ईमानदारी से, शरीर के त्रिफला में हर वहेड़ा आंवला तीन चीज होती है, वो शरीर को स्वस्थ रखता है त्रिफला, हमारा त्रिफला है जो मन को स्वस्थ रखता है। आप शरीर का इलाज कराते हैं डॉक्टर से, मन का इलाज किसी से नहीं कराते, उसमें बीमारियां बढ़ती जाती हैं, टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, अनबन होती है, गुस्सा आता है, अहंकार बढ़ता है, छल कपट के भाव आते हैं, ईर्ष्या होती है, दूसरों को नीचा दिखाने के विचार आते हैं, सामने वाले से झगड़े करने के लिए टेई टाई धरी रहती है, कितने सारे विकार मन में पैदा होते हैं, और हम इन विकारों को ठीक करने का कोई उपाय नहीं करते। इन्हें ठीक करने के लिए हमारे त्रिफला का सेवन कीजिए। लीजिए हमारे त्रिफला में तीन चीजें, कितनी चीजें हैं? तीन। इधर ध्यान दीजिए, पहली सहनशीलता, पहली चीज क्या है? सहनशीलता। दूसरी धैर्य, धैर्य। दूसरी चीज क्या है? धैर्य। और तीसरी चीज है विवेक। सहनशीलता, धैर्य और विवेक, ये तीन चीजें, ये त्रिफला है। इसे समता के पानी से, शांति के पानी से, शांत भाव से सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना है। आस है अगर हमारे मन में थोड़ी सी सहनशीलता बनी रही तो आप बहुत बड़ी झंझट से बच जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखा तो बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे, थोड़े से विवेक से काम ले लिया तो बहुत बड़े संकटों से भी निजात पा जाएंगे। तीन चीजें कौन कौन सी? सहनशीलता, धैर्य और विवेक। अभी क्या होता है, सामने वाले ने अपने से कोई बात कही तो वो पूरी बात कह ही नहीं पाता और अपनी तड़ातड़ देना शुरू हो जाती, उसकी सुनने की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, माने सहनशीलता नहीं, धैर्य नहीं है, इसलिए सामने वाले की बात सुनने की आदत डालो, धैर्य रखकर काम करने की आदत डालो, सहनशील बनो, काम बनेगा। परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके अंतरंग में धीरज होता है, सहनशीलता होती है, विवेक होता है, वे ही जीव परमात्मा को प्राप्त करते हैं। संत कबीरदास जी ने लिखा था,
प्रभु के दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया, आपको भेंट करना चाहता हूं। कबीरदास जी का कहना था कि जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट हो, जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट हो, जब मन की अटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। कैसे होगा, मन की इस अटपट को समाप्त करना होगा, मन की इस खटपट को मिटाना होगा, और ये दूर करने के लिए हमारे एक छोटा सा नुस्खा है, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। बोलना, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। यहीं छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, बाबा जी की दवाई है बाबा जी के पास छोड़ दो, घर ले जाओगे काम में आएगी, सेवन करोगे जिंदगी बन जाएगी। हम तो रमते जोगी राम है, आज है 28 तारीख को चले जाएंगे 12:30 बजे। टिकाऊ कोई काम नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच रहते हैं, जहां भी रहते हैं, मन में एक करुणा का भाव रहता है कि हमारा सारा मानव समाज अच्छाइयों के साथ जुड़े, बुराइयों का त्याग हो। जीवन को अच्छा बनाने की बड़ी आवश्यकता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। आज मोबाइल का नेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का समय चल रहा है, और हर आदमी उलझा है। ये बच्चे पढ़ने के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इन पर नजर रखना पड़ेगी। ये केवल ये अलग चीज थी कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, लेकिन भाई मोबाइल सरलम गच्छामी हो गया, उन्हीं मोबाइलों से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही। समय का परिवर्तन है, कभी नाव पानी में होती है और कभी पानी में नाव होती, जिंदगी है। उतार चढ़ाव हर आदमी के जीवन में आते हैं, हर समाज में आते हैं, हर नगर में आते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा कि हम सब स्वस्थता पूर्वक धर्म की आराधना कर रहे हैं। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। एक छोटी सी घटना सुनाकर मैं आपको एक आध भजन सुनाऊंगा और समापन की ओर ले चलता हूं। एक बड़ी प्रेरणा की चीज है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताऊंगा आपको, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब भली भांति जानते हैं मैं जो बात कहना चाहता हूं, लेकिन मेरा अपना नजरिया है। रामचरितमानस सबने अध्ययन किया है, डेली आप पाठ करते हैं, सुंदरकांड का, उत्तरकांड का, बालकांड का, हमेशा पाठ पारायण चलता है। एक छोटी सी बात, सत्संग क्या होता है, जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाता है, कहां बुराइयां आती हैं, बुराइयों की जड़ क्या है, मानस के एक छोटे से प्रसंग से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए, हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लिए और लंका के किनारे पहुंचे। बाहर जाके देखा बड़े बड़े अनेक प्रकार के राक्षस लंका की सेना में तैनात, सुरक्षा में तैनात है। आदि लंका कर रहे हैं, इन सबके बीच से मुझे लंका में कैसे जाना होगा। और तुलसी महाराज ने लिखा, पुर रखवारे देख बहु
कपि मन कीन विचार पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। देखा हनुमान जी ने ओहो इतने बड़े बड़े राक्षस इतने बड़े बड़े रक्षक लंका की सेना में तैनात दिन रात जुटे हैं क्या करूंगा अब मैं। रात में छोटा सा रूप धारण करके मुझे इसके अलावा और कोई उपाय समझ में नहीं आता। अब रखा छोटा सा रूप मसक समान रूप कपि धरी मच्छर की तरह छोटा सा रूप मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले ओ सुमिरि नर हरी। बहुत छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। भीतर प्रवेश भी नहीं कर पाए और एक और रक्षक जिसका नाम था लंकिनी नाम लंकिनी एक निसिचरी सो कह चले सी मोहिनिंदरी। लंकिनी कहती है कहां जाता है मुझसे बच के मेरी निंदा करके मेरा अपमान करके कहां जाना चाहता जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। लंकिनी ने अपनी सारी आपराधिक वृत्तियां हनुमान जी से कह डाली। वो सोचती थी कि मैं अच्छा कह रही हूं लेकिन हनुमान जी के सामने वे सब उसकी ऐसी वृत्तियां थी जिनका कोई औचित्य नहीं था। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार लगी चोरा। लंकिनी कहती है सठ अब ऐसे शब्द का प्रयोग कोई राक्षस हनुमान जी के लिए करे कहां सहन होने वाला है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा सठ तू मेरा मर्म नहीं जानता है मेरा आहार वहां तक है जहां तक चोर है। ओह ये क्या कहती है तेरा आहार वहां तक है जहां तक चोर है। अच्छा है विचित्र है। अब लंकिनी को वहां तक आहार है उसका जहां तक चोर है। लंका के बाहर के सारे चोर दिख रहे हैं लंकिनी को और जिस धनी की दहलीज पे बैठी है उसके भीतर वहां कौन देखेगा। आहा लंकिनी को दहलीज के भीतर के कोई चोर दिखाई नहीं देते बाहर के सारे चोर जहां तक चोर है वहां तक आहार है। और हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धन मनी एक मुष्टिका का प्रहार किया मुख से रक्त की धार बह निकली मूर्छित हो गई और हनुमान जी उसके होश में आने का इंतजार करते रहे। लंकिनी जब होश में आई तो क्या कहती है पुनि समार उठी सो लंका जोर पानी करी विनय शशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंची
कहा मोहि जीना विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सो अंगारे। मुष्टिका के प्रहार के बाद लंकिनी को जब होश आया तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, प्रभु अब मुझे समझ में आया। जब ब्रह्मा जी ने रावण को तब चलते चलते मुझसे भी कहा था कि विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे, जब तू किसी कपि की मुष्टिका के प्रहार से आहत हो लंकिनी समझ लेना कि अब लंका के राक्षसों का अंत आ गया है। ये एक घटनाक्रम है। हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के पहले ये बड़ी घटना घटी। मुझे लगता है ये हमारी जिंदगी की बड़ी कहानी है। रामचरितमानस की कथा कहानी तो है ही, ये हर आदमी की जिंदगी की कहानी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा शरीर ये देश है। इस मन में, इस देह में मन की एक लंका है और मन की लंका में मोह रूपी रावण राज्य कर रहा है। इस मोह की सेना है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा, ये सारे मनोविकार इस मोह रूपी रावण की सेना है। इस मोह ने चित्त रूपी वाटिका में शांति रूपी सीता को कैद करके रखा है और हनुमान जैसा कोई ज्ञानी वीर, हनुमान जी जैसा कोई पुरुषार्थी वीर उस शांति की खोज में जब निकलता है, मोह रूपी रावण के चित्त की वाटिका में बैठी शांति रूपी सीता को मुक्त कराने के लिए ये सारे प्रयास उसे करने पड़ते हैं। अभी तो मैंने आपको मैना सुरसा और सिंगिका की बात नहीं बताई, समय हो रहा है, संभवतः 27 तारीख को हम इस विषय की बात विजयासेन माता के मंदिर के पीछे जो कार्यक्रम होना है 7:30 बजे से वहां इस विषय की बात करें। एक स्वयं की जिंदगी की गाथा है रामचरितमानस, जिसे अपनी अपेक्षा चिंतन करना चाहिए। लंकिनी कुबुद्धि है जो हर आदमी के भीतर बैठी है। मन की लंका के द्वार पर कुबुद्धि रूपी लंकिनी बैठी है और ये कुबुद्धि दुनिया के दोष देखती है लेकिन कभी अपने दोष नहीं देखती। ये कुबुद्धि संसार के दोष देखती है, अपने दोष कभी नहीं देखती। और ध्यान रखिए, इधर देखिए, आप में ये गलती है, मेरा हाथ देख, आप में ये गलती है, जब ऐसा हाथ उठता है आदमी में कोई एक दोष होता है और हम में तीन गुने दोष होते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो घट देखा आपना मुझसे बुरा के अच्छा। बुरा आदमी मानता ही कब है अपने को? कोई आदमी बताओ जो अपने को बुरा मानता हो। प्रवचन में बैठ के सब कह देते हैं, यहां तो सब बुरे बन जाते हैं और यहां से उठे और अपने से अच्छा कोई है ही नहीं। हमें कोई गलती नहीं है, हमें कोई अपराध नहीं है, गलती सब दूसरे करते हैं, हम तो कभी गलती करते ही नहीं है। दोष सब दूसरे करते हैं, हम कभी दोष नहीं करते। और ये लंकिनी है जो मन की लंका के द्वार पर बैठी दूसरों के दोष देखती है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि आदमी दूसरों के दोषों ऐसे फैलाता है जैसे कोई आदमी डलिया में भूसा को रख के
गांव की गली गली में फैलाता जा रहा हो, और अपने दोषों को ऐसे छिपाता है जैसे कोई ज्वारी पांसों को छिपा रहा हो। ये लंकिनी है, कुबुद्धि है। अब कोई ज्ञान रूपी हनुमान इस कुबुद्धि रूपी लंकिनी के मुख पर पुरुषार्थ की मुष्टिका का प्रहार करे और इसमें परदोष दर्शन की वृत्ति का अभाव हो जाए, परदोष दर्शन का रक्त इस कुबुद्धि के मुख से बह निकले। अब फिर ये ज्ञान के सामने विनती करेगी कि प्रभु अब मेरा जीवन धन्य हुआ, आज मैंने किसी पुरुषार्थी जीव का दर्शन किया। और तुलसीदास जी के वचन, तात मोर अति पुण्य बहुता। लंकिनी कहती है हनुमान जी से, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। इसका नाम है सत्संग। और अंतिम बात लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा। जाओ अपना काम करो हनुमान जी महाराज, करो प्रवेश परमात्मा की याद करके, परमात्मा को हृदय में बसा के। और तुलसीदास जी की अगली चौपाई मेरे सारे भाइयों के लिए, सारे मानव समाज के लिए, सारे देश और विश्व के लिए, सोने से नहीं श्रद्धा की अनमोल कलम से ये चौपाई अपने हृदय पटल पर अंकित करके रखिए। गरल सुधारिपु करही मिताई। पढ़ने में बहुत आसान है, समझने की बात है। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिसका मन परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, जिसके हृदय में परमात्मा निवास करता है, जो व्यक्ति परमात्मा को हृदय में बसा कर रखता है, गरल सुधा उसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है। रिपु कर ही मिताई, जिसके हृदय में परमात्मा वास करता है, शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु और समुद्र गाय के खुर के समान शेष बचता है, और तो और आग जो सबको जलाने वाली है, ये आग भी पानी जैसी शीतल हो जाती है। ये परमात्मा के निवास की महिमा है। बुलो बुलो महाराज की। जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसके जीवन में कोई कार्य कठिन नहीं होते। इसलिए समर्पण और भक्ति अपने मन में ऐसी दृढ़ करके रखिए कि अपने समर्पण के भाव में जरा सी भी कोई कमी ना होने पाए। ये समर्पण श्रद्धा भक्ति जीवन को सुखमय बनाती है, आनंदमय बनाती है। आज की चर्चा को हम यही विराम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुझे एक आध भजन सुनाना पड़ेगा, उसके बिना आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। मलाई भाई साहब तो दूर से हाथ जोड़ रहे हैं कि जल्दी सुना दो, उनका भजन पहले सुनाना पड़ेगा, नहीं तो वे रात भर जाने नहीं देंगे। की आदत डालिए। और हमने त्रिफला दिया है, पुड़िया गिर गई क्या जेब से? त्रिफला की पुड़िया कहाँ है?